अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे स्कार किंग शिमो को कंट्रोल करने वाला है। अगर आपको शिमो टाइटन के बारे में नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने शिमो के बारे में सारी डिटेल्स बताई है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर स्कार किंग शिमो को कंट्रोल कैसे करेगा। अभी तक हमें यह पता नहीं है कि स्कार किंग सिर्फ शिमो को ही कंट्रोल कर सकता है या फिर दूसरे टाइटन्स को भी। लेकिन इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि वो अगर किसी को कंट्रोल करेगा भी तो आखिर कैसे, क्योंकि स्कार किंग चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल करने के लिए उसे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के बारे में बात करेंगे। उस मूवी में हमने देखा कि किंग गिदोरा अपने अल्फा कॉल की मदद से दूसरे टाइटन्स को जगाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि गिदोरा दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। तो यही से स्कार किंग और शिमो की थियोरी शुरू होती है। स्कार किंग का दिमाग रहेगा और शिमो की पावर्स, मतलब स्कार किंग अपने दिमाग से शिमो की पावर्स कंट्रोल करेगा। और यही बात हम गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी देखते हैं। जब एपेक्स ने किंग गिदोरा का स्कल यूज़ किया था और मेका गॉडज़िला को कंट्रोल किया था, वहाँ पर उनके पास किंग गिदोरा का स्कल ऑलरेडी था लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जब उन्हें हॉलो अर्थ की एनर्जी मिलती है तब वो एक इंसान को मेका गॉडज़िला के साथ कनेक्ट करते हैं और गिदोरा का स्कल उस इंसान के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पर वो किंग गिदोरा की कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं एक इंसान को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि किंग गिदोरा के मरने के बाद भी सिर्फ उसकी स्कल की मदद से वो उसकी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इस थियरी से हम ये सीखते हैं कि वो जो कंट्रोल करने वाली पावर्स है वो एक्चुअली इस स्कल के अंदर है। तो इस बात को आप याद रखना। अब हम बात करते हैं कि स्कार किंग एक्चुअली कैसे शिमो को कंट्रोल करेगा। शिमो सबसे खतरनाक टाइटन है, इतना कि वो गॉडज़िला और कॉन्ग को एक साथ हरा सकता है। यानी कि शिमो स्कार किंग से भी बहुत खतरनाक है। स्कार किंग उससे काफ़ी कमज़ोर है, बस वो उसे किसी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब शिमो को कंट्रोल करने के लिए या तो उसे किसी तरह की पावर्स का यूज़ करना होगा या फिर किसी वेपन का, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर स्कार किंग को शिमो को कंट्रोल करना ही क्यों है। तो दोस्तों, स्कार किंग एक ऐसा टाइटन है जिसने कॉन्ग की स्पीशीज़ और गॉडज़िला की स्पीशीज़ इन दोनों के बीच में वॉर की शुरुआत करवाई थी, और इसी की वजह से स्कार किंग को सजा दिलवाने के लिए उसे हॉलो अर्थ में कैद करवाया गया था। लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से छूट गया। लेकिन वो अकेला गॉडज़िला या फिर कॉन्ग की स्पीशीज़ को हरा नहीं सकता था। उन्हें हराने के लिए उसे ज़रूर दूसरे टाइटन्स की मदद लगी होगी, और इसी के लिए उसने शिमो की मदद ली होगी, क्योंकि शिमो ही एक ऐसा टाइटन है जो इन सबको हरा सकता था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शिमो ने आखिर स्कार किंग की मदद क्यों की होगी। तो इसके लिए स्कार किंग को भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा कि किंग गिदोरा ने किया था। किंग गिदोरा ने अपने अल्फा कॉल की मदद से दूसरे टाइटन्स को जगाया था और कंट्रोल किया था। सेम यही चीज़ स्कार किंग ने भी करी होगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है कि आखिर शिमो ने गिदोरा के अल्फा कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया था। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि शिमो किंग गिदोरा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शिमो सबसे खतरनाक टाइटन है, तो फिर वो आखिर स्कार किंग के अल्फा कॉल को भी क्यों रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि शिमो स्कार किंग के अल्फा कॉल को भी रिजेक्ट कर देगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और इसी वजह से शिमो को कंट्रोल करने के लिए स्कार किंग को एक स्पेशल पावर या फिर एक स्पेशल वेपन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिर स्कार किंग के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिसकी मदद से वो शिमो को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, ये है वो वेपन जिसकी मदद से स्कार किंग शिमो को कंट्रोल करेगा। ये एक स्केलेटन है, एक ऐसे टाइटन का जिसे हमने अब तक मॉन्स्टरवर्स में नहीं देखा है। और दोस्तों, इस स्केलेटन को आप ट्रेलर में भी देख सकते हो जो स्कार किंग के कंधे पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक नया सवाल आ जाता है कि आखिर ये कौन से टाइटन का स्केलेटन है। आपको लगेगा कि ये स्क्वेट्ज़ल क्वाइटल टाइटन है या फिर शायद टियामैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे टाइटन का स्केलेटन है जिसके पास भी दूसरों को कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ है। तो यही वो वेपन है जिसकी मदद से स्कार किंग शिमो को कंट्रोल करेगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको ठीक से बता देता हूँ।
किंग गिदोरा के पास दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल करने की एबिलिटीज थी। उसके मरने के बाद भी दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल करने की पावर्स उसके स्कल में होती है और उसी स्कल की मदद से एक इंसान मेका गॉडज़िला को कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरह ये भी एक ऐसा टाइटन है जो दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके मरने के बाद भी वो पावर्स उसके स्कल में रह गई और अब उसी स्कल की मदद से स्कार किंग शीमो को कंट्रोल करेगा। यानी कि जैसे इस आदमी ने गिदोरा की स्कल की मदद से मेका गॉडज़िला को कंट्रोल किया था, बिल्कुल वैसे ही स्कार किंग भी इस स्केलेटन की मदद से शीमो को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर और एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि स्कार किंग इसकी मदद से गॉडज़िला को कंट्रोल क्यों नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कार किंग इस स्केलेटन की मदद से सिर्फ शीमो को ही कंट्रोल कर सकता है। यानी कि स्कार किंग दूसरे किसी भी टाइटन को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ अकेले शीमो को ही कर सकता है। हमें यह तो पता है कि किंग गिदोरा एक एलियन टाइटन था, यानी कि एक दूसरे प्लैनेट से वो यहाँ पर आया था। तो हो सकता है कि ये टाइटन भी किसी दूसरे प्लैनेट से आया होगा जिसका ये स्केलेटन है, और इसी वजह से इस स्केलेटन में भी हमें माइंड को कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज़ देखने को मिल रही है। इस थियरी के हिसाब से जो भी एलियन टाइटन है उनके पास माइंड को कंट्रोल करने वाली पावर्स होती है। अगर इस स्केलेटन में भी माइंड को कंट्रोल करने वाली पावर्स है तो इसका इस्तेमाल स्कार किंग कैसे करेगा? मेरे ख्याल से स्कार किंग हॉलोअर्थ की एनर्जी का पूरी तरीके से यूज़ कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में एपेक्स ने ऐसा किया था। वहाँ पर भी उन्होंने हॉलोअर्थ की एनर्जी का यूज़ करके इस स्केलेटन की पावर्स का यूज़ किया था। तो बिल्कुल स्कार किंग भी इसी एनर्जी का यूज़ करके इस स्केलेटन की पावर्स का यूज़ करेगा, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हम देख भी सकते हैं कि स्कार किंग की आँखें ग्लो कर रही है। इसका मतलब स्कार किंग हॉलोअर्थ की एनर्जी का यूज़ करना सीख गया है, और यही एक वजह है कि वो इस स्केलेटन की पावर्स का भी आसानी से यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों से हम ये समझ सकते हैं कि स्कार किंग आखिर शीमो को कंट्रोल कैसे करेगा। ट्रेलर में आप ये देख सकते हैं कि स्कार किंग हमेशा इस स्केलेटन को अपने कंधे पर एक बेल्ट की तरह लगा कर रखता है। इसी से हमें ये बात समझ में आती है कि यह स्केलेटन उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे दोस्तों, मुझे तो ये स्केलेटन एक बहुत बड़े सांप के जैसे लग रहा है। अगर हमें मॉन्स्टरवर्स में एनाकोंडा जैसा एक बहुत बड़ा सांप देखने को मिले तब तो मज़ा ही आ जाए, और अगर हम इसे ठीक से देखें तो बिल्कुल ये एक सांप के जैसा ही लग रहा है। फिलहाल के लिए हम इनमें से किसी भी थियोरी को कन्फर्म नहीं कह सकते। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या थियोरी है? आपको क्या लगता है कि स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कैसे करेगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस स्केलेटन के बारे में आप क्या सोचते हो ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आप सबकी कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। एम करते हैं 1000 कमेंट्स के लिए। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगी। और आगे भी मैं गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड दूसरी वीडियोज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ मैंने हनुमान मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया है, जहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है कि वहाँ पर कॉन्ग मूवी का रेफरेंस कैसे लिया है और कैसे मूवी का विलन बैटमैन और सुपरमैन से काफ़ी इंस्पायर्ड है। ऐसी बहुत सारी हिडन डिटेल्स के बारे में मैंने बात की है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। I've been living